आज का जो लेक्चर है वो जी मेन्स एडवांस और नीट लेवल के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। तो बेटा हम लोग एरोमेटिक टॉपिक का टॉपिक तो क्लियर नहीं करने जा रहे हैं, हमारे पास जो भी संभावित क्वेश्चन है जो नीट में जी में एडवांस में मेन्स एडवांस जो भी हैं तो उनमें एरोमेटिक के कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आगे पेपर में आ सकते हैं उनका डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ अपने क्वेश्चनों की तो सीधी सी बात है मैं कुछ कंपाउंड्स लिखूँगा यहाँ पर और बताऊँगा कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन है कि किस तरह का कंपाउंड है। जैसे मान लो मेरे पास पहला कंपाउंड मैंने यहाँ पर इस तरह लिख दिया कि मेरे को एक आयन दे रखा है ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो मेरे पास सामने आयन लिखा है इसका नाम बेटा होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन। तो मेरे को चेक करना है कि ये कंपाउंड मेरे पास एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो मैं बता दूं एरोमेटिसिटी का जो पहला पॉइंट होता है मेरे पास कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो भाई मेरे वो एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। तो फिलहाल मेरे को कंपाउंड अच्छी तरह दिख रहा है आपका साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा मेरे पास जो होना चाहिए पॉइंट्स कि मेरे पास रिंग के अंदर जितने भी एटम्स होने चाहिए उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो बेटा sp2 होना चाहिए। मतलब अगर रिंग के अंदर किसी भी एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिल गया तो बेटा वो एरोमेटिक की बिरादरी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो भी मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स गिवन है वो डिलोकलाइज होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास सिस्टम है उसमें कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन के द्वारा या कहीं पर कैटायन या एनायन अगर बना हुआ तो वो रेसोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, मतलब कंपाउंड में रेसोनेंस होना चाहिए। और एरोमेटिक के लिए मेरा फोर्थ पॉइंट है कि मेरे पास जो कंपाउंड हो वो हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करे। अब मैं एक एक पॉइंट करके पहले किनारे एक्सप्लेन करूंगा। मेरा पहला पॉइंट क्या है, कंपाउंड मेरे पास होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो आप एरोमेटिसिटी भूल जाइए, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या था कि मेरे पास रिंग के अंदर जितने भी एटम्स हों, ठीक है, रिंग के अंदर जो भी एटम्स हों उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बेटा वो sp2 होना चाहिए। अगर कोई भी एटम ऐसा आपको दिखता है जिसका sp2 नहीं है तो वो एरोमेटिक में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट मेरे पास जो भी सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड कैटायन एनायन जो भी दे रखा है तो ले सकते हैं पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज। ठीक है, डीलोकलाइज होगा मतलब कुल मिला के वहां पर आपका रेसोनेंस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरे पास ये हो गया, ठीक है, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज चाहिए। फोर्थ नंबर में मेरे पास आता है कि हम लोग हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी फॉलो, मतलब जो कंपाउंड है वो हकल रूल को फॉलो करना ही चाहिए। ये क्या होता है मेरे पास कंपाउंड के पास होता है मेरे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ n=2 स्टार्ट होता है 0 लिख सकते हैं (1, 2, 3) एंड सो ऑन। जैसे मान लो आप यहाँ पर n=0 लगाएंगे तो जब मैं n=0 लगाऊंगा तो ये एटम 0 हो गया तो सिस्टम के पास होना चाहिए 2π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या जब n1 लगाऊंगा तो सिस्टम के पास होना चाहिए 6π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। या जब मैं n2 लगाऊंगा तो सिस्टम के पास 10π इलेक्ट्रॉन इस तरह से मेरे पास चाहिए। अगर और भी आगे ले जाइए 2 है, 2 के बाद 4 का गैप 6 है, 6 के बाद 4 का गैप 10 है, 10 के बाद 4 का गैप आपके पास सिस्टम का इतना अगर आपके पास सिस्टम में है तो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। और ध्यान रखिए ये जो भी मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेटा डिलोकलाइज होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 2π इलेक्ट्रॉन है मगर फिक्स है रेसोनेंस नहीं कर रहा है, 6π इलेक्ट्रॉन है मगर रेसोनेंस नहीं कर रहा है, 10π इलेक्ट्रॉन्स है मगर रेसोनेंस नहीं कर रहा है, वो रेसोनेंस करना चाहिए। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मेरे पास ये क्राइटेरिया है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ऑल द एटम्स ऑफ द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड पॉइंट मेरे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो अंडर डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट कंपाउंड मस्ट बी फॉलो एरोमेटिसिटी। तो ध्यान रखिएगा इन चारों पॉइंट्स को जो भी कंपाउंड फॉलो कर जाएगा, ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को जो भी कंपाउंड फॉलो करेगा वो मेरा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे पास जो मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अब देखो मेरे को सॉल्व करना है कि सामने जो कंपाउंड दे रखा है ये मेरे पास एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। ठीक है ना, अब मेरे को चेक करना है ये कंपाउंड एरोमेटिक है
ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट बताइए, यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड साफ साफ दिख रहा है, मेरे पास साइक्लिक है, साफ साफ दिख रहा है मेरे पास कंपाउंड साइक्लिक है, मेरे पास कंपाउंड साइक्लिक हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा, जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, भाई मेरे बात सुन लो, जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे तो sp2 ही होता है, जिस कार्बन पे सारे सिंगल होते हैं वो sp3 मोस्टली बोल देते हैं, अगर ट्रिपल लग रहा है तो sp बोल देते हैं, अगर डबल है तो sp2। प्लस जो कार्बोकैटायन होता है, मेरे पास ये जो कार्बोकैटायन दिख रहा है ना, इसका भी बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो मेरे पास sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी गया होगा, एक बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा। तो अब इस पर जब सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे ना, तो इस कार्बन पे आपके तीन सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, इस वजह से यहाँ का भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। ठीक है, तो सारे एटम्स जितने भी हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। थर्ड पॉइंट मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन का मतलब देखिए, डबल सिंगल डबल उसके बाद फिर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ अगर मैं इसका रेजोनेंस करके दिखाना चाहूँ, वहाँ भी इतना आपको नहीं करना है, वहाँ फटाफट आंसर देखना है। ठीक है, ये आपका प्लस चार्ज है, इसका नेक्स्ट फॉर्म कैसे बनेगा, ये प्लस है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब इधर शिफ्ट होगा तो इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, रिंग आपकी ऐसे रहेगी, यहाँ डबल इस जगह पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट फॉर्म देखिए क्या बन जाएगा, रिंग आपकी ऐसे रहेगी और यहाँ डबल ये आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिस्टम डिलोकलाइज कर रहा है, सबसे लास्ट में आता है, यहाँ पे लिख लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज। ठीक है, मेरे पास थर्ड पॉइंट फॉलो हो गया, अब हम लोग फोर्थ में फॉलो कर लेंगे, हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये क्या होता है भाई मेरे, आप सिस्टम में केवल डबल बॉन्ड गिन लो या जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सिस्टम में डबल बॉन्ड गिन लो या जो भी इलेक्ट्रॉन आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही पाई इलेक्ट्रॉन आपको गिनने हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये तो प्लस चार्ज है, ये तो भाई प्लस चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। ठीक है ना, अब मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन ये बचे, तो दो और दो चार, मतलब फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में है। भाई आपको अभी हकल पढ़ाया गया था और हकल में आपको बताया गया था कि भाई टू पाई इलेक्ट्रॉन हो, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो, मैंने आपको बताया था भाई अगर टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है या मेरे पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है या मेरे पास टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है एंड सो ऑन, फोर फोर के गैप वाले, तो वो एरोमेटिक होता है। अब इसका एक उल्टा भी देख लेते हैं, एंटी एरोमेटिक देख लेते हैं साथ में। ठीक है ना, अगर मेरे पास ये तीन कंडीशनें वैसी ही फॉलो हो रही हैं, ठीक है, अगर मेरे पास ये तीन कंडीशनें वैसी ही फॉलो हो रही हैं, केवल आपके पास जो सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके मिडिल पे आ जाए, इनका मिडिल का मतलब हो गया फोर पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, सिक्स और टेन का मिडिल क्या हो गया एट पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब फोर पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए डिलोकलाइज के लिए, एट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ जाए आपका ट्वेल्व पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इनमें से कुछ आता है बेटा तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, बल्कि कंपाउंड मेरे पास आपका एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो उसके पास एनर्जी काफ़ी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और अगर कोई कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक में चला गया ना तो वो हाईली एनर्जी का होता है और वो कम स्टेबल। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन है वो तो मेरे पास हो जाएगा, जो कंपाउंड आपको दिया है वो एंटी एरोमेटिक आयन है। क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक आयन। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे क्या करना है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल उठा लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, देखेंगे हमारे पास क्या है, क्या क्या करना है इसमें। तो ये मेरे पास जो पहला कैटायन आ गया वो मेरे पास आ गया है एंटी एरोमेटिक आयन। अब हम लोग दूसरे में जाते हैं, देखो भाई दूसरे में क्या किस तरह से जाएंगे। ठीक, अगला जो है वो मैं ये ले रहा हूँ, आपके पास जो सिस्टम है, जो मेरे पास सिस्टम है उसमें देखते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ यहाँ पर एक कैटायन जो है सेवन मेंबर रिंग बनी है, इस तरह से यहाँ डबल बना है, यहाँ डबल और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उम्मीद है अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप टाइम बर्बाद करने के बजाय अगर तुरंत आप देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो भाई साफ साफ दिख रहा है कंपाउंड साइक्लिक है, अच्छी तरह पता है सभी को कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, ये तो sp2 के हो गए, प्लस जो कार्बोकैटायन वाला होगा वो भी आपका sp2 का हो गया, तो सेकंड पॉइंट भी फॉलो कर गया। मेरे पास जितने भी एटम्स हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, अच्छी तरह पता है ये रेजोनेंस भी कर रहा होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा,
तो यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ डबल यहाँ पॉजिटिव, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूक्लियस। केवल और केवल आप लास्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, हकल रूल चेक कर लीजिए इस केस में, तो आप देखेंगे प्लस में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्लस में तो इलेक्ट्रॉन आपके पास है नहीं, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है आपके पास, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो यहाँ है, ठीक है। तो आपके पास जो सिस्टम है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, और मेरे पास जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भैया मेरे होता है वो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है। किसमें होता है भाई साहब? मेरे एरोमेटिक कंपाउंड में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास एरोमेटिक, मतलब जो कंपाउंड दिया गया मेरे को वो मेरे को एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया, ठीक है। ये कंपाउंड मेरे पास एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब मेरे पास एक कंपाउंड दिया गया इस तरह से दिया है, यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है ऐसे, 3 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल है, ये हम लोग अभी सारे केस प्लस वाले देख रहे हैं, सारे केस क्या देख रहे हैं? प्लस वाले। ये साइक्लोप्रोपिलीन कैटायन है, 3 कार्बन का है। अब मेरे को चेक करना है एरोमेटिक है कि नहीं, देखो साफ साफ दिख रहा है मेरे पास साइक्लिक है, साइक्लिक सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा, इस कार्बन पे तो डबल टच ही हो रहा है, तो यहाँ पे तो sp2 हो गया, प्लस यहाँ पर मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी जिस जगह पे मेरे पास कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पर एक एच भी होता है, तो भाई सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मेरे पास 3 हो गए, तो इस वाले कार्बन पर भी मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस वजह से पहला पॉइंट साइक्लिक गैस जितने भी एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि कॉन्जुगेशन है, डबल के बगल में प्लस लगा है ना, तो बेटा अगर डबल के बगल में प्लस लगा हो चाहे डबल के बगल में माइनस लगा हो वो सिस्टम में कॉन्जुगेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। केवल इतना चेक कर ले भाई मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो भाई प्लस में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? देखो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल ये पाई बॉन्ड बचा, सिस्टम में दोबारा बना देता हूँ, ये बना हुआ है यहाँ पर मेरे पास, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन केवल है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट हो गया तो मेरे पास सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक, मतलब ये जो आयन है ये मेरे पास एरोमेटिक में काउंट हो गया, ठीक है। ये मेरे पास जो आयन है ये मेरे पास एरोमेटिक में काउंट हो गया, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ उठा लेते हैं, माइनस वाले एग्जाम्पल उठा लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मान लो माइनस दिया है, तो मेरे को एक रिंग इस तरह से दी गई है, मेरे को यहाँ पर दिया गया रिंग इस तरह से बना दिया, वही 5 मेंबर रिंग है, वही 5 मेंबर रिंग है, बस यहाँ पर आपके पास अब की बार एक लोन पेयर आ गया और चार्ज मेरे पास माइनस आ गया, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने कैटायन लिया था उसका मैंने क्या ले लिया? एनायन ले लिया। जो मैंने कैटायन लिया था उसका मैंने क्या कर लिया? एनायन। देखो भाई सीधी सी बात है, सिस्टम साफ साफ दिख रहा है मेरे पास साइक्लिक है, सिस्टम क्या दिख रहा है? साइक्लिक है, जितने भी एटम्स हैं। देखो एक चीज बता दें, अगर कहीं पर आपने कार्बेनायन पढ़ रखा है कि कार्बेनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, ठीक है, मगर अगर कोई कार्बेनायन ऐसा है जो रेसोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर किसी कार्बेनायन का लोन पेयर अगर रेसोनेंस, जैसे यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन है तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर, अगर ये रेसोनेंस में इन्वॉल्व है तो इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी sp2 होगा। तो भाई साहब मेरे इन चारों कार्बन का तो sp2 हो ही जाएगा, साथ में ये जो माइनस वाला है इसका भी sp2 होगा। तो सेकंड पॉइंट मेरे पास ये जितना है मेरे पास sp2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा क्योंकि सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर के बाद डबल है, डबल के बाद सिंगल, डबल फिर लोन पेयर, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो भाई देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ के शिफ्ट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल के यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, 2 भाई मेरे पास यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और मेरे पास आप देख सकते हैं एक लोन पेयर ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक ये शिफ्ट हो रहा है, एक ये शिफ्ट हो रहा है, ओवरऑल आप देखें तो मेरे सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है शिफ्ट हो रहा है। अगर मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि मेरे पास सिस्टम में अगर है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो सिस्टम मेरे पास कैसा हो गया? एरोमेटिक आपका हो गया, ठीक है। इसी तरह के आप दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं कुछ बात करूं कि एरोमेटिक आयन अगर होता है तो बेटा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रोसेस में एरोमेटिक आयन बनना हुआ तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई आयन ऐसा बनना है जो मेरे पास एंटी एरोमेटिक होने वाला है, मतलब कोई आयन ऐसा है जो एंटी एरोमेटिक होने वाला है, तो फिर वो आयन नहीं बनता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर बनेगा तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन की, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे को एक कंपाउंड दिया गया है इस तरह से, एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ डबल है, इस जगह पे सीएल लगा रखा है, और एक मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा है, ये डबल है, यहाँ डबल, और यहाँ पर मेरे पास सीएल है। कह रहा दोनों में आपको सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया गया, पहले में भी आपको डाल दिया गया सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, और इसमें भी डाल दिया गया सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बता दे किसमें AgCl का PPT आ जाएगा। क्वेश्चन उसने पूछा है
कि भाई मेरे पास किसमें एजी स्केल का पीपीटी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कहीं पर सिल्वर आयन गया है, अगर कहीं पर सिल्वर आयन है, एजी प्लस आयन है, तो जाहिर सी बात है जब इसको सीएल निगेटिव कहीं से मिल जाएगा, जब इसको सीएल निगेटिव कहीं से मिल जाएगा तो वो एजी सीएल का पीपीटी बना पाएगा। अगर इसको सीएल निगेटिव नहीं मिल पाएगा तो ये एजी सीएल का पीपीटी नहीं बना पाएगा। तो दोनों में एक काम करते हैं, जब ये सीएल मांग ही रहा है तो इसको सीएल दे देते हैं, तो इसको भी यहाँ से सीएल दे देंगे, भाई सीएल इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और यहाँ से भी सीएल दे देते हैं, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग जो बचेगा सीएल निकलने के बाद, जो दोनों सिस्टम पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, भाई हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। फिर जो बचेगा उसकी हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, अगर वो स्टेबल हुआ तब तो सीएल को जाने देगा। अगर सीएल निकलने के बाद अगर रिमेनिंग पार्ट आपका स्टेबल हुआ तब तो वो सीएल को निकलने देगा, अगर सीएल निकलने के बाद स्टेबल नहीं हुआ तो नहीं निकलने देगा। तो पहला जो पार्ट है उसमें आपका यहाँ डबल आएगा, इस जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है उसमें मेरे पास ऐसे बनेगा, यहाँ पे डबल, यहाँ डबल, और ये मेरे पास पॉजिटिव। तो भाई अभी ये दो क्वेश्चन सॉल्व करा के आया हूँ मैं, तो पता लगा था भाई ये वाला जो आयन है वो एरोमेटिक होता है, ये जो आयन है मेरे पास एरोमेटिक होता है, और ये जो आयन मैंने भी कराया था वो मैंने करा रखा था एंटी एरोमेटिक आयन। तो सीधी सी बात है जो पहला वाला है वो बनना पसंद करेगा, जो बाद वाला है वो बनना पसंद नहीं करेगा, कहेगा मैं आयनाइज ही नहीं हूँगा, ये कह रहा मैं आयनाइज नहीं हूँगा, तो ना मैं तुम्हें सीएल दूंगा और ना ही मेरे पास एजीसीएल का पीपीटी आएगा। मतलब इस वाले केस में एजीसीएल नहीं बनेगा, हाँ इस वाले केस में जो मेरे पास आयन बनना है वो एरोमेटिक है, इस वजह से यहाँ पर एजीसीएल का पीपीटी आ जाएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आप इस तरह के क्वेश्चन और देखिए, आपको कहीं ना कहीं सब जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक मेरे पास और सिस्टम एरोमेटिसिटी का है कि उसमें क्या पूछता है कि एक सिस्टम दे देगा जिसमें मेरे को बताना होगा कौन सा मेरे पास एरोमेटिक सिस्टम है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये तो कोई वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस आजकल चल रहा है, ऐसे एक आपका बना देगा फाइव मेंबर रिंग बना देगा, ऐसे उसने बना दिया है, यहाँ डबल, यहाँ डबल, डबल के बाद बेटा वो ऊपर बना देगा थ्री मेंबर रिंग बना देगा, ऐसे कर लेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये उसने दे दिया कि बेटा ऊपर भी फाइव मेंबर रिंग है और नीचे भी मेरे पास फाइव मेंबर रिंग है, अब पूछ रहा बता दो भाई इन दोनों में मेरे पास कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा मेरे पास एरोमेटिक नहीं है। अगर इन दोनों को मेरे एरोमेटिसिटी चेक करनी है तो भाई कैसे चेक होगा, तो आप क्या करेंगे इस डबल बॉन्ड को किसी एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। या तो डबल आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, या डबल आप इधर शिफ्ट करेंगे। आप इस तरह से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों सिस्टम अगर स्टेबल हो जाए, आप इस तरह से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों सिस्टम आपके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तब तो वो कंपाउंड एरोमेटिक में काउंट होगा। अगर आप शिफ्टिंग करने के बाद एक सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है और एक एरोमेटिक नहीं हो पा रहा है बल्कि एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो आप उस डबल बॉन्ड को शिफ्ट नहीं करेंगे। जैसे इस वाले केस में मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले यहाँ पर मैंने क्या करा है कि पहले सिस्टम डबल को ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, सिंगल हो जाएगा, ये फाइव मेंबर रिंग रहेगी, यहाँ डबल और इस जगह पे ये डबल, इस जगह पे आपका बन जाएगा माइनस चार्ज और इस जगह पे आपका लोन पेयर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला सिस्टम भी एंटी एरोमेटिक हो गया और ऊपर वाला सिस्टम भी कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पे आपका माइनस चार्ज लगा हुआ, ठीक है। आप देखिए एक मिनट, यहाँ पर इस जगह पे आपका लगा है माइनस चार्ज, ठीक है। चूंकि माइनस चार्ज यहाँ लगा हुआ है तो इस वजह से ये ऊपर वाला सिस्टम आपका हो गया फोर पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया फोर। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें डबल हम लोग नीचे शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है। अगर नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इस वाले सेंटर पे निगेटिव आएगा, उस वाले पे क्या आएगा पॉजिटिव। देखो क्या बनेगा, ये रिंग तुम्हारी ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगा, ये आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपका डबल है, ये आपका डबल है, ये डबल है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर आपका आ जाएगा निगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम भी आपका टू पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, बताओ सही है, और ये सिस्टम भी आपका क्या हो गया टू पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों ही सिस्टम आपके टू पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो एरोमेटिक में चला गया, इस वजह से ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। एक चीज और समझ लेते हैं, अगर दो रिंग सेम टाइप की जुड़ी होंगी, ठीक है, अगर ऊपर भी फाइव मेंबर्ड है और नीचे भी फाइव मेंबर्ड है, तो जाहिर सी बात है
आप ऐसे शिफ्ट करोगे तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव आएगा, तो उस वाले केस में जो ऊपर वाला सिस्टम है वो तो एरोमेटिक हो जाएगा, मगर जो नीचे वाला सिस्टम है वो एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना भाई। ऊपर एरोमेटिक होगा नीचे एरोमेटिक नहीं हुआ, तो ये कंपाउंड ओवरऑल एरोमेटिक में काउंट नहीं होता है, क्योंकि एक में तो एरोमेटिसिटी आ रही है और दूसरे में आपकी जो एरोमेटिसिटी वो जा रही है, ठीक है। तो जब दोनों एरोमेटिक की बिरादरी में काउंट हो जाएंगे, जब दोनों एरोमेटिक में काउंट होंगे तब आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज अगर एक एरोमेटिक हो रहा है और दूसरा एरोमेटिक नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उस केस में आप एरोमेटिसिटी नहीं कहेंगे, कहेंगे एक नॉर्मल एल्कीन है मेरे पास। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके नीट और एडवांस जी मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टर्न पे किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।